सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड को लेकर। टाटा टेक्नोलॉजी के अंदर आज आपने देखा होगा अभी घमासान जो तेजी है वो देखने को मिली है, लिस्टिंग जो हुई है वो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग से तो भाई कहीं ज़्यादा देखने को मिली है। 1200 के भाव पर लिस्ट हुआ, जबरदस्त लिस्टिंग। उसके बाद जो स्टॉक है वो आप लोग देखोगे 1200 के ऊपर ओपनिंग होने के बाद भी ये स्टॉक ऊपर में 1400 तक गया भाई, ठीक है। और ऊपर के भाव से स्टॉक थोड़ा बहुत टूटा 10% के करीब। जो क्लोजिंग हुई है वो हमें देखने को मिल रही है 1313 रुपये के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से कल के क्या कुछ रहेंगे लेवल, क्या ये स्टॉक अब यहाँ से ज़बरदस्त रैली दिखा पाएगा या फिर जो है इसमें प्रॉफिट बुकिंग के संकेत बन रहे हैं, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। वैसे तो भी मैंने हमारी सुबह की वीडियो में आपको बोला था जिनकी होल्डिंग है, जिनको IPO में मिल चुका है स्टॉक है, फिर 1200 के आसपास जिन्होंने खरीदा है तो वो 1200 का स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते थे। रही बात फ्रेश एंट्री की, तो फ्रेश एंट्री के अभी कोई माहौल नहीं थे क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा ओपन हाई गया हुआ था भाई, 1400 के आसपास था, 1375 उस भाव में था तब मैंने वीडियो बनाया। और वहाँ पर मैंने आपको क्लियर मना किया था कि फ्रेश एंट्री के कोई माहौल नहीं है, अगर गिरावट में स्टॉक मिले ना तो वो एक अच्छा मौका है, क्योंकि जिस अगर ये 900-950 के आसपास ओपन होता, 950-1000 के भी आसपास हो तो भी हम फ्रेश एंट्री की तरफ चलते, क्योंकि फिर इसके जो है 1500 तक के मूव आने की संभावना थी, 1400 से 1500 तक। लेकिन स्टॉक ऑलरेडी आप लोगों देखोगे 1400 के आसपास तो पहुंच गए हैं, फिर इतनी हाई डिमांड थी स्टॉक की जिस चलते स्टॉक में हाई वॉल्यूम भी देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग सब कुछ हुआ है। तो इसलिए देखो भाई इतना हाई स्टॉक को नहीं पकड़ना है, थोड़ा नीचे में मिलेगा तो अच्छी बात है। और रही बात 1 से 2 साल के लिए होल्डिंग के लिए, तो बहुत सारे निवेशक ऐसे जो 1 से 2 साल के लिए होल्डिंग के लिए जो अभी चल रहे हैं तो वो चल सकते हैं। 1 से 2 साल में जो स्टॉक है वो अच्छे खासे मोमेंटम आपको दिखा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी कल के क्या कुछ इसके लेवल्स हो सकते हैं, डाटा वगैरह कैसा है, उन सबको देखते हो क्या कुछ मोमेंट बनेंगे। 4,94,00,000 लगभग 5 करोड़ के करीब जो अभी वॉल्यूम भी आते हुए नजर आई है। तो चलिए देख लेते हैं अभी इसका डाटा और इसके क्या कुछ लेवल्स हो सकते हैं आगे की। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे टाटा टेक की अगर बात करें डाटा की, तो इसका जो इशू प्राइस था हो गया 475 से आपको 500 रुपये के बीच में इसका इशू प्राइस देखने को मिला था, 475-500। तो ओपन जो हुआ वो 1200, ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई 168% के आसपास। उसके बाद स्टॉक आप लोगों देखोगे 1400 के भाव में ऊपर गया और जो अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 1313 के आसपास हुई, यानी कि 10% के करीब जो स्टॉक वो भागते हुए नजर आया है। ऐसे में आप लोग देखोगे मार्केट प्राइस के ऊपर 1,19,119 क्वान्टिटी का एक बाय ऑर्डर लगा है। डिलीवरी पोजिशन की अगर बात की जाए तो 46% के करीब डिलीवरी उठी है, 4,65,00,000 के करीब शेयर ट्रेड हुए हैं जिनमें से 2,15,00,000 के करीब डिलीवरी उठाई गई है। तो डिलीवरी बहुत अच्छी उठी है और एक बाय ऑर्डर है तो पॉजिटिव डाटा है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो अभी भी जिनकी होल्डिंग है या फिर फ्रेश एंट्री के बारे में जो सोच रहे हैं, वैसे तो कोई माहौल नहीं है, 1200 का सपोर्ट पकड़ के चल सकते हो। अगर स्टॉक 1200 के नीचे में जाए तो स्टॉक से एक बार जो ना अभी एग्जिट कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो ऊपर में, या फिर अपना जो ना अभी आधा प्रॉफिट ले भी सकते हो। थोड़े बहुत रिस्क अगर लेना चाहो तो रिस्क ले सकते हो। यहाँ से रिस्क जो रहेगा वो देखो 1200 का जो ना सपोर्ट रहेगा नीचे में, 1200 कटे तो ही एग्जिट मारने के बारे में सोचना, अगर इसके ऊपर में रहता है तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर यही इसका लेवल बन रहा है, अभी भी 1200 का सपोर्ट पकड़ के चलना नीचे में ऐसा लेके, और ऊपर स्टॉक रहेगा तो हमारा है, अगर नीचे में आता है तो एक बार एग्जिट कर लेना भाई, फिर स्टॉक जो ना आपको ये 900-950 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर 1200 के नीचे में आए तब की बात है, अगर ऊपर रहता है तो अभी देख लेते भी कहाँ से कहाँ पर क्या मोमेंटम इसके बनेंगे, या फिर कोई खबरें आएंगी तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। डाटा देखो अभी चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो कुछ खास चार्ट इसका बन नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते फिर भी, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे आज ये ओपनिंग कुछ खास नहीं बन रहे, लेकिन लास्ट के जो कैंडल बने वो काफ़ी शानदार बनते हुए नज़र आई है। तो यहाँ से जो ना भी स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है, ठीक है, लेकिन 1200 का नीचे में सपोर्ट पकड़ के चलना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप आपके सारे डाउट जो ना भी स्टॉक को लेकर दूर होंगे। फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।